آج 10 شوال المکرم ہے، آج کے دن 1366 ہجری کو ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو علی خضر العزیز نے اپنے آبائی وطن بربی ضلع لدھیانہ سے پاکستان کی طرف اللہ کی راہ میں پہلی ہجرت کی۔ ماشاءاللہ سرزمین پاک اور ہم سب کے لیے خیر و برکت کا موجب الحمدللہ۔ آج کے دن کی مناسبت سے سرکار کے مقالات حکمت میں سے کچھ اقتباسات پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان مقالات حکمت کی ترتیب و تنظیم ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو علی قصر العزیز کی محبوب ترین سعیدہ ساجدہ مجلسا صاحبزادی علی صفدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کے متعلق سرکار نے فرمایا میری یہ بیٹی اس مقام النجاب الصحاب المقبول المستفین الموسوم دارالحسان کے جملہ دفاتر کی دل و جان سے خیر خواہ، وفادار، 100% مطمئن آن مدام اور اس ادارہ کی آبرو ہے ماشاءاللہ، اور اس کا یہ مرتبہ قیامت تک کے لیے۔ میری یہ محبوب ترین بیٹی دنیا اسلام کی مایہ ناز صاحبزادی ہے۔ اگر کسی نے اس لڑکی کی ذرا بھی بےعدبی کی، میری طریقت میں اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا ادب میرا ادب، اس کی تعظیم میری تعظیم، اس کی تکریم میری تکریم، اس کی توہین میری توہین، اور اس کا گستاخ میرے پیر سے معلوم ہے، واللہ باللہ تاللہ، اور یہ ختم الکلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ہجرت پاکستان، امن و سلامتی سے زندگی گزارنے والا بندہ کبھی ہجرت نہیں کرتا۔ جو بندہ زندگی سے تنگ آ جاتا ہے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہجرت میں 5 چیزیں بدل جاتی ہیں، وطن، پڑوس، زبان، قسم، رشتہ دار۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کی شان میں یہ فرمایا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ النساء آیت 100۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر و ثواب اجر تو بہت بڑا ہے۔ سورہ النحل آیت 41۔ ہجرت کی بے شمار برکات ہوتی ہیں، جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے پہ مجبور ہوتا ہے اللہ اسے بخش دیتے ہیں۔ جو عقدے کبھی حل نہیں ہوتے حل فرما دیتے ہیں۔ ہجرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہجرت مہاجر کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔
तुम क्या जानते हो हिजरत क्या होती है? हिजरत जान के सिवा हर शहर की कुर्बानी होती है। अगर के अता की दुनिया वसी और अरीज है, फिर भी जब किसी बंदे का जीना तंग हो जाता है, कोई और सबील नजर नहीं आती, हिजरत करने में मजबूर हो जाता है। और ये बंदे बेचारे की जिंदगी में इंतहाई परेशानी का आलम होता है। जब उसे सिखों ने दरगे में ले लिया और कहा कि अपन सारे भाई थे, मुगलों के दौरे हुकूमत में मुसलमान हुए, अब फिर अपने पहले मजहब की तरफ लौटा, साडा भाई बनकर है, यही अपने घर में है, ये मुबालगा नहीं हकीकत है कि उस वक्त वो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया और मौत तो हयात से बिल्कुल बेखतर होकर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम अब किसी भी तरह अपने दीन से नहीं फिर सकते और कभी नहीं फिर सकते। जो कुछ भी अल्लाह ने हमारे लिए लिखा हुआ है, हम खत्म पेशानी से तस्लीम करेंगे। फिर अल्लाह तुम्हारे बताने ने अपने कलमा तैयबा के नूर की बरकत से उसके दिल में ये जलीलुल कदर कलमा डाला और वो ये कहता हुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नाम से भरोसा किया मैंने अल्लाह पर, नहीं कोई तदबीर और ना कोई ताकत मगर अल्लाह की मदद से। वहां से चल पड़ा। हाजरीन में से किसी ने भी इसमें मुदाखलत ना की और वो अल्लाह अल्लाह करता, अपने वतने मालूम को खैर बात कहता हुआ अपनी नई मंजिल पे गामजन हुआ। न किसी ने उसका ताकुब किया न ही कोई हरकत। मेरे आकार फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इस उम्मत से करावत तारी था। हिंदुस्तान भर में मुसलमानों पर उनके अपने ही वतन की सरजमीन तंग हो गई थी। जिन कई खुशियों में वो पड़े और बड़े थे कस्मकुशी के आलम में, आज वो उससे निकलने में मजबूर थे। चारों तरफ आग भड़की हुई थी जिसमें जिंदा जाने सिर्फ मुसलमान होने की वजह से जलाई जा रही थी। मुबारक हो उन सबको जो शोरों से टकरा गए मगर ईमान की दौलत को हाथ से न जाने दिया, जिन्होंने मजलूमियत की मौत कबूल कर ली लेकिन कुफर के हाथ में हाथ न दिया। आपकी खातिर बेघर होने वालों और राय हक में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को पुराने करीम का ये मुद्दा जामजा मुबारक हो। जिन लोगों ने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी गांव में सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, मैं जरूर उनसे उनके गुनाहों को दूर करूंगा और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके दरख्तों के नीचे नहरें जारी हैं। ये जज़ा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह इनके पास अच्छा हाजिर है। सूरह आले इमरान आयत 150 में मेरे आका इत्तेदाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी इस्लाम के लिए दी गई कबूल फरमा कर इसका बोल पाला फरमाए, आमीन। किसी पे अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करना वफा की हद और अपनी जान पर कुर्बान कर देना फिदा की हद है। आपकी उम्मत के उन सब बावफा शहीदों को हम खाक नशीनों का इंतहाई मोहब्बत और हकीकत भरा सलाम कबूल हो। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ तौहीद और रिसालत पे ईमान ही की बदौलत हुआ।
कौन अल्लाह ही के लिए हुआ। अल्लाह ने अपनी किताब कुरान करीम में ईमान की फतह और नुसरत का वादा फरमाया हुआ है। हिजरत के बाद नुसरत और शिकस्त के बाद फतह मोमिन के ईमान का वो जुज है जिसे कोई कभी नहीं टूटा सकता। फिर ईमान ने यह तस्दीक बरकरार की कि अल्लाह के लिए हिजरत करने वाले मुसलमानों यकीनन मौतें दूर नहीं जब अल्लाह के उनको कर्म से अल्लाह की इस ममलकत जिसमें कि हम आज इस हाल में कर्म रख रहे हैं कि हां और ना के अकवाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। गोया अल्लाह ताला अपने इस मुल्क को मुल्कों की सरदारी बख्शेगा माशाल्लाह। या अल्लाह तू अपनी मददियत उलूहियत समदियत और रूबियत के सदके अपनी इस ममलकत पाकिस्तान की तकदीर को बुलंद फरमा। आमीन। जिस तरह तूने अपने हबीबे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों की सरदारी बख्शी और फिर उनकी उम्मत को सारी उम्मतों में से चुनकर खैर उम्मा के लकब से सरफराज फरमाया, इसी तरह तूने ममलकत पाकिस्तान को अपने सारे मुल्कों में से चुनकर अपने लिए मुंतखब फरमाया। या अल्लाह ममलकत पाकिस्तान तेरे फजल करम की मोहताज और तेरी नुसरत व हिमायत की उम्मीदवार है। तू अपनी रहमत अपने इस मुल्क पाकिस्तान और हम गुनहगारों के वतन अजीज पे लुटा दे या हियो या कयूम। आमीन। इस्लाम की खोई हुई अजमत और छिना हुआ वकार फिर से इनायत फरमा। आमीन। या हियो या कयूम अल्हम्दुलिल्लाह कयूम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल।